हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर। टुडे एवरीवन ओपन योर इंग्लिश लिटरेचर बुक। टाइम फॉर इंग्लिश लिटरेचर। सो एवरीवन ओपन योर इंग्लिश लिटरेचर बुक। योर टॉपिक नंबर इज 7 एंड नेम इज टॉम बिकम्स अ वाटर बेबी। आपका जो टॉपिक है उसका नाम है टॉम बिकम्स अ वाटर बेबी। मीन्स जो टॉम है, बिकम मीन्स होना, किस तरीके से हो जाता है क्या एक वाटर बेबी, मतलब पानी का बच्चा किस तरीके से हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन टुडे। यस, राइट फ्रीली, FRILLY, फ्रीली। फ्रीली मीन्स होता है झाल, झालरदार। मीन्स जब कोई भी चीज़ होती है जिसमें प्लेट्स वगैरह लगी होती है तो उसे बोलते हैं फ्रिल, फ्रिलर, झालरदार। नेक्स्ट गिल्स, GILLS, गिल्स। गिल्स मीन्स होती है गलफड़ा। द ऑर्गेन थ्रू विच फिश एंड अदर वाटर क्रिएचर ब्रीथ। मीन्स वो ऑर्गेन्स जिसके द्वारा जो वाटर एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश है या अदर क्रिएचर, वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। चिमनी स्वीप, CHIMNEY, चिमनी स्वीप, SWEEP, स्वीप। चिमनी स्वीप मीन्स चिमनी साफ करने वाला। अ पर्सन हुज जॉब इज टू क्लीन चिमनीज, मीन्स वह व्यक्ति जिसका कार्य है चिमनी को साफ करना। स्वीप मीन्स होता है सफाई। कैडिस फ्लाई, अ ब्राउन और ब्लैक इंसेक्ट दैट मेक्स शॉर्ट लाउड नॉइस। मीन्स एक ब्लैक या ब्राउन कलर की एक छोटी सी इंसेक्ट होती है, मक्खी टाइप की होती है, जो छोटी होती है लेकिन उसका जो साउंड होता है बहुत ज़्यादा लाउड होता है। आफ्टर दैट वीड, WEED, वीड। वीड मीन्स जंगली घास, जो आसपास दो दलदली एरिया होता है जैसे पौंड वगैरह या छोटी सी, मतलब कह लीजिए कि रिवर वगैरह, वहाँ पे क्या होता है कि इस टाइप के वीड जो होते हैं, जंगली घास आसपास मिलते हैं। अ वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज़ नॉट वॉन्टेड। मीन्स ऐसे प्लांट जिनकी ज़रूरत नहीं होती हो और उग जाते हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में घास पात। हॉरिड, HORRID, हॉरिड। हॉरिड मीन्स डरावना, अनकाइंड, जिसे हम न चाहते हों, जिसे देख के हमें डर लगे। ट्राउट, TROUT, ट्राउट। ट्राउट मीन्स अ फ्रेश वाटर फिश, एक प्रकार की मछली। बोदरिंग, BOTHERING, बोदरिंग। बोदरिंग मीन्स होता है परेशान करने वाला, ट्रबलिंग या परेशान हो जाना। आफ्टर दैट पिंसर, PINCER, पिंसर। पिंसर मीन्स चिमटी या फिर सनसी। नेक्स्ट निम्फ, NYMPH, निम्फ। निम्फ मीन्स अप्सरा या खूबसूरत युवती। टू डिवाइड, सॉरी, बट इन योर पोयम निम्फ मीन्स एंड इंसेक्ट नॉट फुली डेवलप्ड। मीन्स इस पोयम में, सॉरी इस पोयम, इस किताब में जो चैप्टर है, चैप्टर 7, इसमें जो ये वर्ड आया है निम्फ, इसका मतलब होता है कि एन इंसेक्ट, एक ऐसा कोई इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा, जो नॉट फुली डेवलप्ड, मतलब जो पूरी तरीके से विकसित नहीं है। वैसे निम्फ का मतलब होता है अप्सरा या खूबसूरत युवती। नेक्स्ट स्प्लिट, स्प्लिट मीन्स आपस में बांट देना या दलों में बांटना। टू डिवाइड इंटू टू और मोर पार्ट्स। पफ, तेजी से सांस लेना। टू ब्रीथ फास्ट एंड विथ डिफ़िकल्टी, मीन्स बहुत कठिनता के साथ, जैसे कभी बहुत दौड़ना पड़ता है तो जो सांस होती है उसको लेने में हमें दिक्कत होती है। सिलेंडर, SLENDER, सिलेंडर। सिलेंडर मीन्स होता है लंबी और पतला, कुछ ऐसा जो लंबा भी हो और पतला भी हो। थिन एंड डेलिकेट, जो पतला एकदम कमज़ोर सा, वीक सा हो।
पी ए एल ई पेल, पेल मीन्स होता है द कंडीशन ऑफ द फेस और स्किन, मीन्स पीला चेहरा जब पीला पड़ जाता है या फीका हो जाता है। ड्रैगन फ्लाई एक प्रकार का पतंगा और लार्ज इंसेक्ट, बड़ा एक इंसेक्ट होता है। अक्सर जैसे बारिश वगैरह होने के बाद आपको देखिए ड्रैगन फ्लाई ग्रुप में जो है दिखते हैं, जो बड़े से होते हैं और आवाज़ साउंड करते हुए उड़ते हैं। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। फ्रिली झालरदार, गिल्स फेफड़ा, चिमनी स्वीप चिमनी साफ करने वाला, क्रिकेट क्रिकेट मीन्स होता है गेंद बल्ला, मीन्स जो खेलते हैं बैट बॉल, लेकिन यहाँ क्रिकेट का मतलब होता है झिंगुर। कैडिस फ्लाई, कैडी एक मक्खी है। वीड जंगली घास पात। हॉरिड डरावना। ट्राउट एक प्रकार की मछली। बोदरिंग परेशान करना या परेशान हो जाना। पिंसल चिमटी या सरसी। निम अप्सरा खूबसूरत युवती, लेकिन यहाँ मतलब है एक कीड़ा या मकौड़ा। स्प्लिट आपस में बांटना या दलों में बांटना। पफ तेजी से सांस लेना। सिलेंडर लंबी और पतला, या कोई चीज़ लंबा और पतला है, लंबा और पतला करिए। पेल फीका चेहरा। ड्रैगन फ्लाई एक प्रकार का पतंगा। ठीक है, नाउ टुडे इन अ होमवर्क यू विल राइट डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन। इन टुमारो वी विल रीड दिस लेसन। इस लेसन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट दिस लेसन। ओके, तो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू टुडे। यू विल रीड दिस पेज नंबर 44 को रीड करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है उसे कॉपी में राइट करेंगे। थैंक यू।